बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई ध्यान देने योग्य बातें। नंबर एक, छाछ में गुड़ मिलाकर पीने से पेशाब में जलन का रोग मिट जाता है। नंबर दो, मुँह में छाले होने पर गुनगुने पानी में हल्दी पाउडर मिलाकर कुल्ला करें या हल्का गर्म हल्दी पाउडर छालों पर लगाएं, इससे मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं। नंबर तीन, कम समय में स्वादिष्ट चावल पकाने के लिए थोड़ा सा सूखा पुदीना डाल दें, चावल स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर चार, प्रतिदिन सुबह शाम के समय छोटी हरड़ को चूसने से अनिद्रा रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। नंबर पाँच, एक चम्मच नींबू का रस और शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पीने से नींद का आना दूर हो जाता है। नंबर छः, एक कप पानी में चार से पाँच काली मिर्च और तुलसी की थोड़ी सी पत्तियों को उबालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पीने से गले की खराश में आराम मिलता है। नंबर सात, बालों में नींबू के रस से मालिश करके धोने से बालों का जड़ना कम हो जाता है। नंबर आठ, सूखे आंवले को रात को भिगो दे और सुबह इस पानी से बालों को धोए, इससे बाल मजबूत होते हैं। नंबर नौ, शहद के साथ लगभग 3 ग्राम कलौंजी पीसकर सुबह सेवन करने से भूलने की बीमारी दूर होती है। नंबर दस, 10 से 20 ग्राम अखरोट रोज सुबह शाम खाने से भी भूलने की बीमारी दूर होती है। नंबर 11, नाक में सुबह और शाम 5 से 7 बूंद बादाम का तेल डालकर खींचने से याददाश्त तेज होती है। नंबर 12, सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन जलाकर उस तेल की मालिश करने से हर तरह का बदन दर्द दूर हो जाता है। नंबर 13, झाड़ू को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। झाड़ू को दान करने से घर में धन नहीं टिकता है। नंबर 14, दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोन सिस्टम सही रहता है और बिछिया एक्यूप्रेस उपचार पत्ति का कार्य करती है। नंबर 15, हींग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ खून के धक्के जमने भी रोकता है। नंबर 16, रेशमी कपड़ों को धोते समय पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर धोइए, इससे रंग पक्का रहेगा और कपड़े मुलायम बने रहेंगे। नंबर 17, अक्सर रसोई में असावधानी से काम करने पर हाथ पांव जल जाए तो जैतून का तेल लगाने से आराम मिलता है। नंबर 18, यदि एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन में दाग पड़ गए हो तो नमक रगड़ने से छूट जाते हैं। नंबर 19, जिन्हें कब्ज रहती है वे शाम के समय पपीता न खाए। नंबर 20, रात के समय राजमा चावल नहीं खाने चाहिए। नंबर 21, प्याज के साथ कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और प्याज एक साथ खाने से कई प्रकार के त्वचा रोग हो जाते हैं। नंबर 22, लहसुन की कुछ कली कुचलकर रस निकाल ले और फिर इसे थोड़ा सा शहद मिलाकर पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को जाइयों पर 10 मिनट जाइयों पर लगा रहने दे, फिर चेहरे को पानी से धो ले। इसका नियमित इस्तेमाल से जाइयाँ दूर हो जाती है। नंबर 23, चावल को पानी को रेगुलर चेहरे पर लगाने से मुहासे और दाग धब्बे कम होते हैं और स्किन मुलायम चमकदार बनती है। नंबर 24, सर पर चावल का पानी लगाने से बाल झड़ना रुक जाता है और मुलायम होते हैं, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। नंबर 25, पैरों के तलवे पर सरसों के तेल की मालिश करने से आंखों को गजब का फायदा होता है। 2 चम्मच मलाई में कुछ बूंद नींबू के रस मिलाकर सोते समय चेहरे पर लगाने से और सुबह गुनगुने पानी से धोने पर मुँह से धोए, इसको रोज इसी तरह लगाने से मुहासे की निशानी मिट जाती है। स्त्रियों के मासिक धर्म की खराबी के में पुदीने की पत्ती की चाय बनाकर पीने से लाभ मिलता है। नंबर 28, खाली पेट सौंफ का पानी पीने से तेजी से वेट लॉस होता है। इसका असर 5 से 20 दिन में ही नज़र आने लग जाता है। खाली पेट जीरे का पानी कब्ज को जड़ से ख़त्म करता है। अगर आप जीरे का पानी को रात भर भिगोकर उसका पानी पीते हैं तो इससे लीवर भी मजबूत होता है। नंबर 30, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आंत सिकुड़ जाती है और ऐसा होने पर खाना से नहीं पचता है, इसलिए ठंडे पानी के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SK Sharma 2268 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।